टू माई चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड हेल्दी होंगे। वापस से आ गई हूँ अमेजिंग आउटफिट लेकर के, सारे ही बहुत ही प्रिटी हैं, आप सबको बहुत ही पसंद आएगा। सो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट कर लेते आज का अपना हॉल। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मेरी हाइट 5.5 है एंड मोस्टली सारे ही ब्रांड में मैं एल साइज के कपड़े पहनती हूँ। मेरा इंस्टा आईडी मेरे चैनल के नाम से है, अगर आप चाहो तो वहाँ भी जाकर के चेकआउट कर सकते हो। सो जो कहीं भी मेरे चैनल पर नए हो सो प्लीज़ उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें एंड नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। सो बहुत हो गई बातें, करते हैं वीडियो स्टार्ट। सो आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो पे। फर्स्ट आउटफिट जिसके साथ मैं आज अपना हॉल स्टार्ट करना चाहूँगी, बहुत ही प्रिटी सा कलर है रेड। यस, रेड आप सबको पसंद आता है और काफ़ी सुंदर लगता है। सो यहाँ पर रेड कलर का मैं एक आउटफिट लेकर के आई हूँ, बहुत ही सुंदर है। और पूरा ये जो फैब्रिक है ये कॉटन है, बहुत ही फाइन कॉटन है। टेक्सचर वाला जो कॉटन फैब्रिक होता है ना वो है इस पे, सेल्फ पे ना आपको टेक्सचर दिख जाएगा एंड काफ़ी मलमल, काफ़ी सॉफ्ट सा है। जो फील कर रही हूँ ना इस फैब्रिक को, अमेजिंग, काफ़ी बढ़िया इस फैब्रिक की क्वालिटी है। इसका नेक लाइन आपको राउंड मिल जाएगा, इसके नेक पे आपको जो वर्क दिख रहा है काफ़ी काफ़ी नीट तरीके से किया गया है, बिल्कुल भी हाथों में नहीं आ रहा है। ये पूरा का पूरा ना जरी एंड सीक्वेंस का वर्क है, रेड पे गोल्ड का जो है ना कॉम्बिनेशन अल्टीमेट है, काफ़ी सुंदर मिल रहा है। सो इस तरीके का आपको इसका फ्रंट मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको फैब्रिक की गैदरिंग मिल जाएगी। सो फ्रंट पे ओनली जो फ्रंट एरिया है, पोर्शन है ना, यहीं पे आपको फैब्रिक की गैदरिंग मिल रही है, साइड में नहीं मिल रहा है। तो ये ना ए लाइन काइंड ऑफ ड्रेस कुर्ता है, सॉरी ड्रेस नहीं, कुर्ता मिलने वाला है, 3-piece सेट के साथ आया है। सो देख लेते हैं आगे। सो इसका स्लीव्स आपको 3/4 मिल जाएगा, अगेन स्लीव्स पे भी उसकी डिटेलिंग की गई है गोल्ड के साथ, बहुत ही सुंदर लग रहा है। सीक्वेंस एंड जरी के साथ आपको इसकी डिटेलिंग मिल जाएगी एंड बैक कुछ इस तरीके का आपको मिलने वाला है। एंड फ्रंट पे मैं आपको दिखाना भूल गई थी, सो फ्रंट पे आपको इस तरीके से नीचे इस तरीके का गोल्डन बॉर्डर मिल जाएगा कुछ ऐसा। एंड ये बोथ साइड्स पे आपको मिल रहा है, फ्रंट एंड बैक दोनों ही साइड पे आपको ना ये स्टिच बॉर्डर मिल जाएगा जिसपे पूरे पे बॉर्डरी किया गया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है यार। और पहना हुआ कैसा लग रहा है ट्राई ऑन में आप देख रहे होंगे, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मुझ पे कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। साथ में इसका मुझे पैंट रिसीव हुआ है, पैंट सेम फैब्रिक का है एंड इस पे सेमी बैंड स्टाइल आपको मिलने वाला है। फ्रंट पे कुछ इस तरीके का मिल रहा है एंड बैक पे आपको कुछ इस तरीके का इलास्टिक मिल जाएगा। एंड इसमें पॉकेट वगैरह नहीं है, बिल्कुल बेसिक पैंट रखा गया है। नीचे आते हुए कुछ इस तरीके की फिटिंग आपको मिलने वाली है, टेपर पैंट आपको ये मिल जाएगा, कुछ ऐसा पैंट है। कलर सेम रखा गया है, फैब्रिक सेम है, काफ़ी कम्फर्टेबल है, आप होल डे इस आउटफिट को वेयर कर सकते हो और काफ़ी स्मार्ट लगोगे। अगर आपके टमी एरिया पे थोड़ा सा फैट है ना तो इस तरीके के आउटफिट आपको टमी को भी हाइड करता है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। साथ में दुपट्टा है, दुपट्टा बहुत ही प्यारा सा है, शिफॉन का दुपट्टा आपको मिलने वाला है, सेम कलर के साथ है, बिल्कुल सॉफ्ट सा फैब्रिक आपको मिल जाएगा। इस दुपट्टे के चारों ही साइड स्पेस के किनारे पे आपको ये वाली डिटेलिंग मिल जाएगी जो कि उसके नेक पे है एंड बॉर्डर पे किया गया है पूरा ही चारों साइड पे। सो ये दुपट्टा आप ना किसी और दूसरे आउटफिट के साथ भी इजिली कैरी कर सकते हो, दुपट्टा काफ़ी कंफर्टेबल है एंड कुर्ता भी बहुत ही सुंदर है, काफ़ी प्यारा आउटफिट है। नेक्स्ट आउटफिट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आउटफिट मेरा फेवरेट ब्रांड, यस ब्रांड W से है, ये भी एक अनारकली कुर्ता है, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। ये इसका कलर देख लो, तो बहुत ही प्यारा सा कलर है। मुझे ना कॉमेंट आ रहा था कि कुछ पार्टी वेयर आउटफिट दिखाएं, तो मैंने यहाँ पर कोशिश करी है कि गर्मियों के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं आपके लिए पार्टी वेयर आउटफिट लेकर के आए, क्योंकि गर्मियों में ना बहुत हैवी कपड़े नहीं पहनने में आता है। सो मैंने कोशिश करा है कि सारे ही कपड़े कॉटन के हो एंड साथ में पार्टी वेयर भी हो। सो यहाँ पे मेरी कोशिश, आई होप कि आपको मेरा ये हॉल या वीडियो पसंद आए। सो बहुत हो गई बातें, देख लेते हैं आउटफिट। ब्रांड W से है, कलर इसका देख लो, बहुत ही प्रिटी ग्रीन कलर का ये आपको आउटफिट मिलने वाला है। फैब्रिक की अगर हम बात करते हैं तो बढ़िया सा कॉटन है, बहुत ही फाइन कॉटन है, ब्रांड W से है, तो आप सबको पता है फैब्रिक की तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। इसकी नेक लाइन की अगर हम बात करते हैं तो राउंड नेक मिल जाएगा जिसपे आपको ना यहाँ पे जरी एंड थ्रेड के साथ वर्क किया गया है, वाइट कलर के, यहाँ पे ना वाइट नहीं बोलूंगी, बेज कलर की ना थ्रेड एंड गोल्डन कलर की इसे इस पर हाईलाइटिंग की गई है। पूरे नेक पे अच्छा खासा आपको यहाँ पे वर्क मिल रहा है और ये बिल्कुल भी हाथों में नहीं आ रहा है और चुभ नहीं रहा है, तो गर्मियों में ना ऐसी चीजें ही अच्छी लगती है, जो चुभता है ना वो पहनने में नहीं आता है। सो बहुत ही प्यारा इसका नेक लाइन है। अगर हम इसके स्लीव्स की बात करते हैं तो ये इतना सा 3/4 से थोड़ी ज्यादा है, बट
बहुत ही सुंदर सा स्लीव्स रखा गया है, क्योंकि उसके स्लीव्स पे भी यहाँ पे उन्होंने डिटेलिंग करके रखी हुई है, एम्ब्रॉयडरी किया गया जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। ये देखो है ना, बहुत ही प्रिटी। एक सेकेंड, ये कुछ इस तरीके से ना स्लीव्स पे भी आपको ये यहाँ पे डिटेलिंग मिल जाएगी, एंड नीचे भी यहाँ पे आपको ना सीक्वेंस वर्क मिल रहा है जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। थ्री लाइन सीक्वेंस वर्क मिल रहा है, एंड बैक साइड पे आपको ना ये गोल्डन बटन्स के साथ उसकी डिटेलिंग मिल जाएगी। बहुत ही प्यारा सा ये स्लीव्स है, एंड ये कुर्ता ही काफ़ी अमेजिंग है, अनारकली है, बहुत ही प्यारा लगने वाला है। जब आप इसे वेयर करोगे ना, फिर आप देखना कितना सुंदर लग रहा है। कलर तो है ही काफ़ी अमेजिंग, एंड नीचे आते हुए इसमें अच्छी खासी आपको फ्लेयर मिल जाएगी। आपको दिख रहा है काफी अच्छी खासी आपको नीचे इसमें फ्लेयर मिलने वाली है इतनी सारी। तो आप चाहो तो इसे एज अ ड्रेस भी वेयर कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो इसे एज अ कुर्ता भी वेयर कर सकते हो। इसके साथ नीचे आप लेगिंग वेयर कर लो, या सेम कलर का प्लाजो वेयर कर लो, एंड गोल्डन दुपट्टा ले लो। सो कंप्लीटली आउटफिट पार्टी वेयर हो जाएगा, एंड काफी हैवी लुक देने वाला है। एंड अगर आप चाहो, अगर आप इसे ड्रेस की तरह वेयर करना चाहते हो, तो कोई भी एक बेल्ट लगा लो, एंड बस सॉर्टेड है, बहुत ही प्यारा लगेगा, और ये एक ड्रेस भी तैयार हो जाएगा। बहुत ही सुंदर सा ये आपको आउटफिट मिलने वाला है। सो ये है उसका फ्रंट, एंड ये है उसका बैक। बैक बिल्कुल बेसिक है, एंड बैक पे भी आपको एक गोल्डन बटन एंड इस तरीके का आपको कटआउट मिलने वाला है। तो पहनना काफ़ी ईजी है, क्योंकि पीछे एक बटन है, तो जिससे उसको वेयर करना काफ़ी ईजी हो जाता है। नेक्स्ट आउटफिट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आउटफिट, कलर बहुत ही सुंदर है, काफ़ी प्यारा सा ये आउटफिट है। मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं इस तरीके के कलर, पेस्टल कलर्स एंड लाइट कलर्स, काफ़ी अच्छे एलिगेंट लगता है। एंड इस सीज़न में ना कुछ ऐसे ही कलर्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो मैंने कोशिश करी है कि आपको हर तरीके के यहाँ पे आउटफिट दिखाऊं और एंड आपको पसंद आए। सो ये ब्रांड कसिस से है, बहुत ही प्यारा सा आपको ये ना कॉटन सिल्क फैब्रिक का ये आपको कुर्ता मिल जाएगा। फैब्रिक काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी सॉफ्ट एंड लिल शाइन आपको मिल जाएगी। आपको दिख रहा होगा इस पर शाइन है, बहुत ही सुंदर है, कलर ग्रे है और काफ़ी अच्छा है। कैमरा प्रॉपर इसे ले नहीं पा रहा है, जो इसका नेचुरल कलर है ना काफ़ी सुंदर है, काफ़ी लाइट्स वगैरह है, उस वजह से इसका कलर जो ओरिजिनल कलर है वो नहीं आ पा रहा है। सो इसके नेक लाइन की अगर हम बात करते हैं, तो राउंड एंड यहाँ पे अच्छा खासा आपको ना थ्रेड वर्क मिल जाएगा, जो कि काफ़ी नीट तरीके से किया गया और काफ़ी दूर तक किया गया, जिसका योग पार्ट है नीट एंड तरीके क्लीन तरीके से इस पर आपको वर्क मिलने वाला है। काफ़ी सुंदर एंड क्लासी पीस है ये, बहुत ही सुंदर लगेगा। अगर आपको सिंपल सा सेटल सा ढूंढ रहे हो ना, तो ये आउटफिट आपको ज़रूर ज़रूर पसंद आएगा। सो ये हो गए उसका नेकलाइन। इसके स्लीव्स की हम बात कर लेते हैं, तो ये 3-4 स्लीव्स मिल जाएगा। अगेन यहाँ पे भी उसकी डिटेलिंग की गई है थ्रेड वर्क के साथ, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। स्ट्रेट फिटेड कुर्ता है, तो साइड से ना एक स्लिट भी है। फैब्रिक थोड़ा सा ट्रांजी है, बट बहुत ही थोड़ा है, बहुत ज़रा सा। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो अंदर कुछ वेयर कर लो, वरना ठीक है, इतना कुछ ज़्यादा ट्रांजी नहीं मुझे लग रहा है। सो कुछ इस तरीके का ये कुर्ता है, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। इसके नेक्स्ट आउटफिट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आउटफिट भी 3-पीस सेट है, कलर बहुत ही सुंदर है यार, बहुत ही प्यारा सा ये ब्लू कलर का आपको आउटफिट मिलने वाला है। ब्लू, नेवी ब्लू ये कलर का आपको आउटफिट मिलेगा। बहुत ही सुंदर सा ये आपको कपड़ा मिलने वाला है। इसका जो फैब्रिक है ना, काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी बढ़िया है। ब्रांड इंडोएरा से है, एंड आप सबको पता है इंडोएरा के फैब्रिक एंड इसका पैटर्न प्रिंट सब काफ़ी अच्छा होता है। सो ये काफ़ी प्यारा सा आपको आउटफिट मिलने वाला है। ये चंदेरी कॉटन फैब्रिक आपको कुर्ता मिल जाएगा, जिस पे आपको शाइन मिल रही है। फैब्रिक कॉटन है और काफ़ी बढ़िया, इस पर आपको शाइन भी मिल रही है, तो कम्प्लीटली ये पार्टी वेयर आउटफिट बन जाता है। एंड नेक लाइन की अगर हम बात करते हैं, तो राउंड नेक मिल रहा है, एंड यहाँ पे ना थ्रेड वर्क मिल रहा है आपको, काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे थ्रेड वर्क मिल रहा है, एंड ये यहाँ तक मिल रहा है, जिसके साथ गोल्ड एंड सीक्वेंस एंड थ्रेड बहुत ही सुंदर लग रहा है, काफ़ी क्लासी लुक दे रहा है। आप छोटे मोटे किसी भी पार्टी वगैरह में इसे ईजिली कैरी कर सकते हो, काफ़ी अमेजिंग लगेगा। स्लीव्स की अगर हम बात करते हैं, तो देख लो यार स्लीव्स कितना सुंदर है, जिस पे आपको कटवर्क मिल रहा है। सेम वही वर्क रखा गया जो नेक पे है, बट यहाँ पे उसकी हाईलाइटिंग ना स्लीव्स पे जो करी गई है, बहुत डिफरेंट तरीके से गई है, कटवर्क करके करी गई, जो कि बहुत ही सुंदर एंड काफ़ी एक्सपेंसिव लुक दे दे रहा है इस आउटफिट को। बैक की अगर हम बात करते हैं, तो बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल प्लेन सा है, स्ट्रेट फिटेड कुर्ता है, तो आपको साइड से एक स्लिट भी प्रोवाइड करवाई जा रही है, एंड काफ़ी अच्छी सी
आपको इस पे स्लेट भी मिल जाएगी, कुछ इस तरीके का लॉन्ग स्लेट आपको ये कुर्ता मिलने वाला। कलर देख लो यार, कितना प्यारा सा कलर है, बहुत ही प्रिटी लग रहा है एंड बहुत ही सही जाएगा ये, हर किसी पे अच्छा लगता है ये कलर जो है ना, ये सभी पे काफ़ी सुंदर लगता है। इसके साथ मुझे इसका बॉटम आया है, बॉटम सेम फैब्रिक रखा गया है, सेम कलर रखा गया है, सेमी बैंड स्टाइल आपको इसका मिल जाएगा। जो ट्राउज़र है वो फ्रंट पे बैंड, सॉरी फ्रंट पे बेल्ट एंड बैक साइड पे आपको बैंड मिल रहा है एंड इसके वन साइड आपको पॉकेट मिल रहा है। राइट हैंड साइड पे जो पॉकेट है काफ़ी डिसेंट है, काफ़ी डीप पॉकेट है, काफ़ी अच्छा सा पॉकेट है। पॉकेट होने की वजह से ये आउटफिट और भी ज़्यादा अच्छा एंड कंफर्टेबल हो जाता है। सो बहुत ही प्यारा है, फैब्रिक प्योर कॉटन रखा गया, जो इसके कुर्ते का फैब्रिक है सेम वही रखा गया है एंड नीचे आते हुए आपको ये टेपो पैंट मिल जाएगा, नीचे कुछ इस तरीके का है एंड इसका जो फ्लेयर है ऊपर से आप देख लो कितना कम्फर्टेबल है, काफ़ी कम्फर्टेबल है, तो आपको बिल्कुल भी ये ना फंसा फंसा सा नहीं लगेगा आपको, मतलब अच्छा कम्फर्टेबल रहने वाले हो ये आउटफिट पहनने के बाद। साथ में इसका दुपट्टा आया है, दुपट्टा तो मतलब अमेजिंग इसका दुपट्टा है, देख लो कलर कितना प्यारा है, ब्लू के साथ उन्होंने रेड का कंट्रास्ट रखा है, ऑर्गेंजा बनारसी दुपट्टा आपको मिलने वाला है। यस, ये पूरा का पूरा फैब्रिक आपको ऑर्गेंजा मिल जाएगा जिसपे आपको ये पूरा विविंग्स मिल रहा है, बिल्कुल बनारसी दुपट्टा लग रहा है और कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत ही प्रिटी। इसके बोथ साइड्स पे आपको अच्छा खासा ब्रॉड इस तरीके का ना बॉर्डर मिल जाएगा, बोथ साइड्स पे मिल रहा है, मैं अच्छे से आपको बताऊं, ये रहा बोथ साइड्स पे आपको इस तरीके का बॉर्डर मिल जाएगा एंड इसकी जो विड्थ है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं है, स्टॉल काइंड ऑफ है, क्योंकि ये ऑर्गेंजा है ना तो काफ़ी ईजी है, ऑर्गेंजा फैब्रिक ना थोड़ा फ्लफी हो जाता है तो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, सो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है एंड जिसका फैब्रिक है ऑर्गेंजा का ना वो भी काफ़ी सॉफ्ट वाला है, ऐसा नहीं है कि आपको बार बार स्लिप होगा, अच्छी क्वालिटी का उन्होंने यहाँ पे दुपट्टा रखा है एंड दुपट्टा का ब्यूटी देख लो यार आप, मतलब लुक एट दिस पीस यार, लुक एट दिस, मतलब सो ब्यूटीफुल ना, इस पे पूरे पे आपको बीच में इस तरीके के बड़े बड़े इस तरीके का मिल जाएगा एंड साइड में छोटे छोटे बूटे मिल रहे, बॉर्डर मिल रहा है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही क्लासी दुपट्टा एंड ये वाला जो है ना किसी आप प्लेन आउटफिट के साथ भी अगर ये दुपट्टा लेते हो ना तो पूरा कम्प्लीटली ये वो आउटफिट ही चेंज हो जाएगा, बहुत ही क्लासी लुक देगा एंड काफ़ी एक्सपेंसिव लुक देने वाला है। सो मैं यहाँ पे आपके लिए एक अमेजिंग बैग लेकर के आई हूँ, बहुत ही प्यारा है, ऑफिस स्टार्ट हो चुका है, हम सब घर से बाहर जाना स्टार्ट कर चुके हैं, सो हम अपने साथ काफ़ी चीज़ें कैरी करते हैं, गर्मी काफ़ी है तो हम अपने बैग में एक पानी की बॉटल, कुछ खाने की चीज़ें एंड मास्क एंड मैनी मोर चीज़ें लेके जाते हैं एंड जिनके साथ बच्चे हों उनके लिए तो बहुत ही बड़ा टास्क हो जाता है क्योंकि उन्हें बहुत सारी चीज़ें अपने साथ कैरी करनी होती है। सो मैं यहाँ पे उसी टाइप का एक बैग लेकर के आई हूँ, ऑफिस बैग है बट बहुत ही प्यारा है, काफ़ी एलिगेंट लुक वाला है, ये जूट का आपको मिलने वाला है, इस पर जो फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है जूट काइंड ऑफ फैब्रिक है जो कि काफ़ी अच्छा है एंड ये ब्रांड जूक से है, ये ब्रांड जो है ये पेटा अप्रूव्ड होता है एंड क्वालिटी फ्री होते हैं इनके सारे ही प्रोडक्ट एंड ये जो बनाते हैं ना ये सारे जूट एंड कॉटन इस तरीके के फैब्रिक से हैंडमेड बनाए हुए ये सारे के सारे ही बैग्स होते हैं। इन पे जो लेदर आपको दिख रहा है ना ये एनिमल लेदर नहीं है, ये आर्टिफिशियल लेदर है, सो ये भी एक अच्छी चीज़ लगती है मुझे एंड इसके बैग पे जो प्रिंट है आपको दिख रहा होगा कितना ब्यूटीफुल है, बहुत ही सुंदर सा ये आपको प्रिंट वाला ये आपको बैग मिलने वाला है, कलर बहुत ही सुंदर है, आप इसके वेबसाइट पे जाएं और यहाँ पे आपको बहुत सारे बैग्स की वैरायटी आपको मिलने वाली है, ऑफिस बैग, टोट बैग, सीलिंग बैग्स एंड वॉलेट्स, मैनी मोर चीज़ें आपको मिलने वाली है, सो आप एक बार चेकआउट ज़रूर कर लें। सो बहुत हो गई बातें, देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। सो आपको ये एक लैपटॉप बैग मिलने वाला है जिसके अंदर आपको लैपटॉप रखने की स्पेस मिलने वाली है एंड काफ़ी बड़ा और स्पेसियस बैग है, काफ़ी सुंदर है। सो चलिए अब देख लेते हैं कि आगे मैं आपके लिए और क्या क्या लेकर आई हूँ। सो ये बैग मुझे बहुत ही अच्छा लगा, अगर आपको पसंद आए तो आप भी इसे जरूर परचेज कर सकते हो, मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी एंड साथ में मेरा कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको इस पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो बस यही था आज का मेरा हॉल, आई होप कि आपको मेरा वीडियो या मेरे कंटेंट पसंद आते हो, अगर आपको मेरा वीडियो या कंटेंट पसंद आता हो सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।